नमस्कार, धरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धरा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशन देख रहे थे। तो इवोल्यूशन हमारा जो चैप्टर था वो मैक्सिमम कवर हो चुका है। आज बस उसका लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें कि कुछ रूल्स बचे थे, उन रूल के बारे में हम लोग देख लेंगे। बस आपका आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो वो रूल कौन कौन से हैं, तो सबसे जो जैसे एवोल्यूशन है तो वो कैसे हुआ, इसकी सततता के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहला सिद्धांत आपका जो है वो एलन्स लॉ है। जो पहला सिद्धांत वो एलन नामक साइंटिस्ट ने दिया। तो ये जो सारे आपको जो तीन चार रूल पढ़ने हैं, ये रूल किस पे, तो जो आपका म्यूटेशन था यानी जो उत्परिवर्तन था उस पे बेस्ड होते हैं ये सारे रूल। तो पहला रूल किसका है, तो एलन का सिद्धांत है। तो एलन का सिद्धांत क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग दिस वार्म ब्लडेड, यानी जो ये प्रिंसिपल क्या करता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिनका ब्लड जो होता है वो वार्म होता है, एनिमल स्पीसीज हैव इन डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल पॉपुलेशन। वो मतलब जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे अर्थ पे फैले होते हैं। जैसे वार्म ब्लडेड कौन कौन होते हैं, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता है। जैसे हम लोग हैं, तो मान लीजिए अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे बॉडी का अगर 34 है तो हम अपना 34 मेंटेन करके रखेंगे, चाहे अपनी हीट को हम पसीने के थ्रू बाहर निकाल देंगे या अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम अपने हीट को डिस्चार्ज करते हैं। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। कूल ब्लडेड वह एनिमल होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का बॉडी टेम्परेचर होगा, जो पर्यावरण का बॉडी टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गए, आपके स्नैक हो गए, या आपके अदर एनिमल हो गए जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनके बॉडी टेम्परेचर होगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो उन एनिमल्स को हम लोग कूल ब्लडेड एनिमल बोलते हैं, और जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल करते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कई सारी फिनोमिना होती हैं, जैसे अगर हम बर्फीले इलाकों में जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे हाथ पैर कान नाक मुंह, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब छोटे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हीट का जो सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा, जब किसी पार्ट का या सरफेस एरिया मतलब कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हैं, तो हम लोग का सरफेस एरिया इतना हुआ, ये हमारा हाथ हो गई, ये हमारी नेक हो गई, फिर ये हमारा थॉरेक्स पार्ट हो गया, हैंड हो गया, फिर लेग हो गया, तो इसमें हमारा कितना ज़्यादा सरफेस एरिया है, ये देखिए आप कितना ज़्यादा सरफेस एरिया है। अगर यही पार्ट जो आपकी हैंड है वो छोटे से हो जाएंगे, आपका लेग छोटा हो जाएगा, नोज़ आइज़ ये सब आपके कान ये सब छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, बॉडी का सरफेस एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया बॉडी का कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हीट जो डिस्चार्ज है, जो आपकी हीट है वो हीट डिस्चार्ज जो होता है वो कम हो जाएगा। तो जो आपके ऐसे एनिमल होते हैं जो कि कूल ब्लडेड होते हैं, उनमें क्या होता है, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उन एनिमल्स के जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया कम करने के लिए उनके हाथ पैरों का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, यानी उनके जो एक्सटर्नल प्रोटोबेरेंस या पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो छोटे हो जाते हैं। तो ये एनल ने बताया, जैसे लिम्स ईयर्स एंड थॉरेक्स अदर अपेंडिस, जैसे अदर अपेंडिस का मतलब जैसे अपेंडिस इंसेक्ट में होंगे तो वो उनका साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये इन्होंने बताया प्रिंसिपल कि ऐसा होता है, और जो कूल ब्लडेड एनिमल होंगे वो नॉर्मल होंगे, अपने साइज को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है कि अगर हम लोग ही मान लीजिए कहीं ठंडे प्रदेशों में जाएं, तो हम लोग का साइज भी धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों साल बाद हो सकता है कि साइज आपका चेंज हो जाए, हम म्यूटेंट हो जाए। तो ये रूल आपका एलन्स का रूल कहलाता है। फिर दूसरा रूल आपका ब्रिजमान नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जीव रखा कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीव होते हैं उनका उनका क्या होता है, जो बॉडी का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, इसी के
अकॉर्डिंग इनका भी रूल है। इन्होंने बताया कि जो आपके लिम्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी जो अपेंडिस हैं आपके, जो अपेंडिक्स वगैरह हैं, जस वो उनका साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उनका साइज कम हो जाता है। और ब्रिजमान ने बताया सेम इन्हीं के अकॉर्डिंग कि जो जो ऐसे एनिमल होते हैं जो ऐसे जगह ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो उनके बॉडी का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बॉडी का साइज बड़ा हो जाएगा जिससे कि उनको ठंड कम लगेंगी, उनके बॉडी पे हेयर हो जाएंगे। फिर आपके आपका कोप रूल आता है। कोप ने क्या बताया कि जैव विकास जो आपका है, यानी जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो इनका भी इन्होंने वही बताया कि उनका भी साइज जो होता है वो बड़े हो जाता है। फिर आपके एक साइंटिस्ट आते हैं डोलो रूल, डोलो का नियम। तो डोलो ने बताया कि जो आपके मैल्स हैं वो आपके एप्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो मैन है दे कैन नॉट कन्वर्ट इन ऐप, बट ऐप कैन कन्वर्ट इन मैन। आदमी है वो मतलब ऐसा नहीं होता कि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती, कि जो जो म्यूटेशन होता है वो सतत होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है कि एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो यूनि डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो ये आपका रूल है डोलो का नियम। डोलो ने बताया कि जो मैन है वो ऐप्स में, यानी जो आदमी है वो बंदर नहीं बन सकता, यानी बंदर से आदमी तो बना है लेकिन आदमी से बंदर नहीं बन सकता। तो ये आपके चार रूल हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आपका पहला रूल एरन्स रूल, ब्रिजमान रूल, कैप रूल और डोल रूल, ये तीन, ये दोनों रूल तो सेम ही है। इन्होंने बॉडी का साइज ही बताया कि जो ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बॉडी का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये आपके रूल्स हो गए आपके एलेंस, ब्रिजमान, कोप और डोलो। तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं उनको आज हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो आपका यूनिवर्स है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुई, तो आपकी 5 मिलियन ईयर वो आपकी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई। फिर आपकी अर्थ की ओरिजिन 5.4 मिलियन ईयर वो आपकी अर्थ की उत्पत्ति हुई। फिर कैसे हुई, तो बिग बैंग थ्योरी जो कि सन का एक पार्ट था अर्थ, उससे अलग हुआ और आपके अर्थ की उत्पत्ति हुई, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि कई सारे रूल्स थे कि जो आपकी अर्थ थी वो उसका इन्वायरमेंट कैसे था, तो वो हम लोगों ने स्टैनले मिलर की थ्योरी थी जिन्होंने 4 गैसेस को लिया था। वो गैसें कौन कौन सी, तो मैथेन, अमोनिया और आपका हाइड्रोजन और वाटर, 4 ऐसे गैसेस उन्होंने ली। फिर उसके बाद में इन्होंने जो आपकी प्रिमिटिव अर्थ का इन्वायरमेंट था उसको इन्होंने मेंटेन किया। फिर आपका आता है, हम लोगों ने पढ़ा कि आपके इवोल्यूशन इन मैन कैसे हुआ। मैन में हम लोगों ने रामाफिथेकस, ड्रायोफिथेकस, एस्टियोफिथेकस, हम लोगों ने सारे मानों को देखा। फिर हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में देखा जो कि आपके नियंडरथल और क्रोमैग्नान आपके प्री हिस्टोरिक मैन थे। फिर हम लोगों ने देखा जो आपके मॉडर्न मैन थे, मॉडर्न मैन जैसे आपके हम लोग जैसे आपके होमो हैबिलिस हो गए, होमो सैम्पियंस, सैम्पियंस जो कि हम लोग की स्पीसीज थी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर उनकी क्रैनियल कैपेसिटी के बारे में देखा, तो और फिर ये जो आपके इवोल्यूशन के जो कुछ नियम हैं उनके बारे में। तो ये आपके चैप्टर की समरी हो गई, जो आपका ये चैप्टर 8 लेक्चर्स में कम्प्लीट हुआ है 10 लेक्चर्स में। तो ये आज के लिए इतना ही, इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे आप लोग को। तो अगर कुछ आपको लेक्चर में सुधार या कमी दिख रही हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।